हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है आपके पास, आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पार्ट 1 की, इसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है x-1/x दैट इज इक्वल टू 3। x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो 1/x 1/0 ये पद अपरिभाषित हो जाएगा, तो उसके लिए लिखा हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों, हम रूट्स फाइंड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पे अभी ये जो फॉर्म आपको नजर आ रही है, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से नजर नहीं आ रही है, तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो ये लेफ्ट साइड है, इसका अगर एलसीएम ले तो ये आ जाएगा x और ये हो जाएगा x²-1 और यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 3 के डिवाइड में 1 लगा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। वी गेट इसके 1 के साथ करेंगे तो ये x²-1 हो गया और 3 की x की करेंगे तो ये 3x। अब इसको भी इधर ले आते हैं तो ये हो गया x²-1-3x दैट इज इक्वल टू 0। 3x इधर आके माइनस हो जाता है, तो x² फिर उसके बाद -3x और -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये कैसी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहले बच्चों आप देखेंगे अगर हम इसको फैक्टर मेथड से कोशिश करें तो यहां पे हमारे पास सम कितना होना चाहिए -3 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1 × 1 यानी कि -1। तो सम तो हमारे पास -3 है और प्रोडक्ट हमारे पास -1 है, तो यहां पे इसके बारे में सोचना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस तरह से सोचना बेहद मुश्किल हो जाता है कि ऐसे ऐसे दो नंबर सोचना कि जिनका सम -3 और प्रोडक्ट -1 हो, तो ये बेहद कठिन हो जाता है। तो इन सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो सबसे इजी रहता है। इन सिचुएशंस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे इजी रहता है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करते हैं। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करें तो यहां पर इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ, तो यहां पे a की वैल्यू आ जाएगी 1, b इज -3 एंड c इज -1, तो d हो जाएगा b² - 4ac। तो इट मीन्स -3² - 4 × 1 × -1 b² - 4ac, तो b की वैल्यू रख दी b² - 4 × a 1 और c -1, तो d हमारे पास आ गया -3² तो नाइन हो जाएगा और ये -- तो प्लस हो गया 4 की 1 के साथ और फिर 1 के साथ तो 4 ही आएगा, तो ये हमारे पास हो गया 13, तो d की वैल्यू 13 आ गई ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि d की वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट्स रियल और अनइक्वल हो गए। और कैसे निकालेंगे, x = -b + √d/2a, तो यहां पे x = -b की वैल्यू -3 है तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दे या सीधा ही प्लस लिख दे, +√d, d की वैल्यू है हमारे पास 2 × a, a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो x = 3 + √13/2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मीन्स एक तो आ गया हमारे पास 3 + √13/2 और 3 - √13/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो जो हमें ये इक्वेशन गिवन है उसके ये रूट है। अब प्यारे बच्चों फैक्टर मेथड से ये लगभग लगभग इम्पॉसिबल है इस क्वेश्चन को सोल्व करना, तो यहाँ पे जो और जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसमें थोड़ा हमें समय लग जाता है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है
उसकी सहायता से आप जो फैक्टर्स है सॉरी जो रूट्स है वो बड़े इजीली बना सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है तीनों ही फॉर्मूले में सभी जगह पे लागू हो जाएगा वो, और आप उसकी सहायता से जो रूट्स हैं बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट वन। ठीक इसी तरह से अगर हम पार्ट टू की बात करें, पार्ट टू में है हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है वन डिवाइड बाय एक्स प्लस फोर माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस सेवन दैट इज इक्वल टू इलेवन डिवाइड बाय थर्टी। एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर एंड सेवन। अब माइनस फोर रख दिया तो ये जीरो हो जाएगा, ये पद अपरिभाषित हो जाएगा, और सेवन रख दिया तो सेवन माइनस सेवन जीरो, तो ये पद अपरिभाषित हो जाएगा। इट मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस फोर और सेवन नहीं है। अब आप इसके लिए कैसे करेंगे इसको, ठीक उसी तरह से हम इसका इधर वाला जो पार्ट है इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहां पे एक्स प्लस फोर और ये एक्स माइनस सेवन, इसके साथ करेंगे तो ये एक्स माइनस सेवन माइनस यहां से एक्स एक्स प्लस फोर है और बाहर माइनस है तो ये माइनस का एक्स और माइनस का फोर बनेगा। इधर से ये इलेवन डिवाइड बाय थर्टी, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल तो माइनस इलेवन डिवाइड बाय इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स के एक्स के साथ, एक्स की माइनस सेवन के साथ माइनस सेवन एक्स, फोर की एक्स के साथ प्लस का फोर एक्स, फोर की ट्वेंटी एक्स के साथ माइनस ट्वेंटी एट, और ये इलेवन डिवाइड बाय थर्टी माइनस इलेवन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस ट्वेंटी एट और इलेवन डिवाइड बाय थर्टी। अब देखो इक्वल का साइन है तो लेफ्ट में न्यूमरेटर वाले न्यूमरेटर के साथ कैंसिल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर के साथ, तो इलेवन वन ये इलेवन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ माइनस वन आ गया इलेवन वन पे तो ये वन आ गया, तो हमारे पास आ गया माइनस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस ट्वेंटी एट, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमने कर दी जब हमने इसको सोल्व किया तो माइनस के सेवन एक्स और प्लस के फोर एक्स है तो हमारे पास कितने रहेंगे, माइनस के इलेवन एक्स और प्लस के फोर एक्स, तो यहाँ पे माइनस के तो थ्री एक्स रह जाएगी ना, तो ये प्रॉब्लम हमसे हो गई थी माइनस थ्री एक्स, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस थ्री एक्स तो माइनस ट्वेंटी एट, और यहाँ पे हमारे पास आ गया वन डिवाइड बाय थर्टी। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट दैट इज इक्वल टू इसके साथ करेंगे तो माइनस थर्टी। अब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट और प्लस के थर्टी दैट इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो भी मर्जी मेथड अप्लाई करें तो यहाँ पे आप इसको फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। देखो सम हमारे पास कितना है माइनस थ्री और प्रोडक्ट कितना है टू इंटू वन यानी कि टू, तो टू और वन मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ही आएगा और सम करेंगे तो थ्री आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के टू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसमें से हमारे पास एक्स कॉमन एक्स माइनस टू, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये भी एक्स माइनस टू, तो ये एक्स माइनस टू, अब जब एक्स माइनस टू कॉमन आ गया तो यहां से तो एक्स बच गया और यहाँ पे माइनस वन रहेगा। अब आप देखेंगे कि एक्स माइनस टू इसको हम जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं एक बार तो, और एक बार एक्स माइनस वन को जीरो के साथ, यहां से x की वैल्यू टू आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू वन आ जाएगी, सो वन एंड टू आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। कह रहे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन है वन डिवाइड बाय x प्लस फोर माइनस वन डिवाइड बाय x माइनस सेवन इज इक्वल टू इलेवन डिवाइड बाय थर्टी, x की जगह पे वन पुट कर दो, वन डिवाइड बाय फाइव माइनस वन डिवाइड बाय
वन पुट करेंगे तो यहाँ पे वन माइनस सेवन माइनस के सिक्स होंगे, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख तो माइनस माइनस सिक्स को प्लस कर देते हैं तो इलेवन डिवाइड बाई थर्टी, यहाँ पे थर्टी एलसीएम आ गया, ये सिक्स प्लस फाइव दैट इज इलेवन डिवाइड बाई थर्टी, सिक्स प्लस फाइव इलेवन, इलेवन डिवाइड बाई थर्टी, तो इलेवन बाई थर्टी, इलेवन बाई थर्टी के इक्वल है, सही है। सेकेंड के लिए चेक करो, वन डिवाइड बाई टू प्लस फोर सिक्स हो जाएंगे, माइनस वन डिवाइड बाई टू माइनस टू माइनस सेवन, तो माइनस के फाइव, तो वन डिवाइड बाई माइनस फाइव, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इलेवन डिवाइड बाई थर्टी। देखो यही तो है, आगे पीछे लिखे हुआ बस, वन बाय फाइव, वन बाय सिक्स, वन बाय सिक्स, वन बाय फाइव, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी इलेवन डिवाइड बाई थर्टी आएगा, ऐसे ले देंगे तो इलेवन बाई थर्टी। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो पहले बच्चों यहाँ पे आप क्या सबसे बड़ी खास बात इन क्वेश्चंस की क्या है कि जो आपके पास सॉल्यूशन आता है एक्स की जो वैल्यू आती है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी वो जो वैल्यू है वो ठीक है या फिर कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है। अब सपोज की वजह से हमने यहाँ पे माइनस के इलेवन एक्स लिख दिए थे और अब जब इसको वेरीफाई करते तो हमें पता चल जाता कि वो ठीक नहीं आता, क्योंकि फिर वो तो माइनस इलेवन के लिए सोल्यूशन आता तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमें पता चल जाता कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उससे फिर हम इसकी करेक्शन कर लेते। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करें यहाँ पे और उसका सॉल्यूशन जब आप फाइंड करें, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो उसको वेरीफाई जरूर कर लें। बहुत ज्यादा समय वेरीफाई करने में हमें नहीं लगता है, लेकिन इससे एक बेनिफिट होता है कि हमें अपने आंसर का पता चल जाता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का जो आपकी एक्सरसाइज में है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।